दोस्तों नमस्कार, मैं रविगिरी बाबा। आज मैं एक बहुत ही कामयाब दवाई आपके सामने लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज भारत में 60% स्त्रियां ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं, और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि उनके स्तन तक काटने पड़ जाते हैं, फिर भी कैंसर अपना विकराल रूप धारण करता है और उस स्त्री को बेमौत मरना पड़ता है। तो दोस्तों, एक घरेलू उपाय जो ब्रेस्ट कैंसर में काम देता है, वही उपाय आपको मैं बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें कितना कष्ट देखना पड़ता है। मैंने मेरे जीवन में कैंसर के रोगियों को बहुत बुरी मौत मरते देखा है। कैंसर, जिसका हिंदी के नाम केकड़ा होता है, केकड़ा को इंग्लिश में कैंसर कहते हैं, और केकड़ा को कभी आपने देखा होगा, समुद्री केकड़े को, कि वो जितना आगे दौड़ सकता है उतना भी पीछे दौड़ता है, जितना आगे दौड़ता है उतना ही वो लेफ्ट में दौड़ता जाएगा, और जितना आगे दौड़ता है उतना ही वो राइट में भी दौड़ सकता है। तो वो जितना लेफ्ट राइट और आगे और पीछे चारों तरफ एक ही स्पीड में दौड़ सकता है, उसको कोई पता नहीं लगता कि वो किधर भागेगा। तो इस बीमारी का नाम भी कैंसर इसीलिए रखा है कि इसकी जो नाड़ियां हैं वो किधर भी फैल सकती है। कैंसर अगर यहां है तो उसकी नाड़ियां यहां तक फैल सकती है, यहां तक कि पूरे पेट में भी फैल सकती है और सिर की तरफ भी जा सकती है। ऐसा कैंसर एक खतरनाक रोग है, और आजकल स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसके लिए मैं आपको ये दवाई बताने जा रहा हूं, आप इसको आजमाना। और मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, 70% तक स्त्रियों को इसमें राहत मिली है। जैसे ही उसको पता लगता है, डॉक्टर बताता है कि इसको ब्रेस्ट कैंसर है, तो मेरी ये दवाई जरूर आजमाना आप, आपको इसमें 70% तक रिलीफ मिलेगा। हाँ, मैं एक बात के लिए कह सकता हूं कि जो स्त्री इसको इग्नोर करती रही है और कैंसर बहुत आगे तक बढ़ गया है, स्तन काटने तक की नौबत आ गई है, तो मैं नहीं कह सकता कि पूरी स्त्रियों पे काम करेगा, लेकिन मेरा नुस्खा 70% स्त्रियों में काम करेगा और उसको कैंसर से राहत मिल जाएगी। बहुत बड़ी दवाई नहीं है ये, बहुत छोटी सी दवाई है। दो चीजें लेनी है आपको, आपको पंसारी की दुकान से लेना है माजू। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिखूंगा और वीडियो में भी मैं लिख के डाल दूंगा। माजू लेना है 250 ग्राम। आराम से सुनिए, बड़े गौर से सुनिए, माजू 250 ग्राम लेना है, और फटकड़ी लेनी है आपको 50 ग्राम। 50 ग्राम फटकड़ी और 250 ग्राम माजू, दोनों को बारीक पीस कर मिक्स कर लेना है, और बारीक पीस लेना है, कपड़ छान करके डिब्बे में रख लेना है। इसको लेने का तरीका, जो चना होता है, बस चने के आकार में इसको लेना है। जितना छोटा सा चना होता है उतनी ही दवाई आपको दिन में 3 बार ठंडे पानी से लेनी है। दिन में 3 बार लेनी है, लेकिन लेनी कितनी है, इसको आधा ग्राम के लगभग दवाई लेनी है। ये आधा ग्राम दवाई यानी चने के बराबर हो जाएगी। आपको, हर आदमी को पता है कि चना कितना बड़ा होता है। एक डॉलर चना आता है, सफेद चना, वो बड़ा होता है, वो नहीं, जो लाल वाला या काले वाला चना होता है वो चना हर जगह पाया जाता है। तो उस चने के आकार में, उस चने जितनी दवाई आपको लेनी है एक बार में, और लेके ठंडे पानी से लेना है, और ऐसे ही सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार लेना है।
इस दवाई को लेते रहोगे तो धीरे 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 कैंसर समाप्त हो जाएगा और उस स्त्री को ब्रेस्ट कैंसर से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये दवाई आपको देखने में बहुत छोटी लग रही है, लेकिन अगर आजमाओगे इसको तो आप पाओगे कि बहुत भगवान भला करे कि वो स्त्री ठीक हो जाएगी। ये दवाई जरूर आजमाना, जिस किसी को हो उसको जरूर बताना। फायदा मिला तो आपको भी पुण्य होगा, मुझे भी पुण्य होगा, इसलिए इस दवाई को आगे भी बताना। और आप उसका रिजल्ट देखना, रिजल्ट देखने से आपको पता चलेगा कि वास्तव में फायदा हुआ है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे बताइएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।